बीकानेर में एसीडी ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बिजली विभाग में एक हेड कांस्टेबल को रिश्वत देते हुए रंगे हाथों ट्रैप किया। दिखाते हैं हम आपको इस ट्रैप कार्रवाई की कुछ झलकियां। पूरा मामला क्या है, हमने ट्रैप किस टीम के एक सदस्य से की बातचीत है। उसकी 2016 में विजिलेंस हो गई थी और 2017 में विद्युत चोरी की बाबत ग्रामीण थाने में मुकदमा दर्ज हो गया था और इस मामले में थाने में तैनात राजेंद्र जी हेड कौंसिल हुए, दो तीन बार उनके पास आए और उन्होंने मामले को रफा दफा करने के लिए 40,000 रुपये मांगे और फिर 20,000 रुपये लेकर आज 29 तारीख को मेरे को थाने बुलाया है। इस पर सत्यापन गोपनीय रूप से किया गया तथा 5,000 रुपये विश्वास जमाने के लिए परिवर्तित द्वारा इनको दिए गए थे और सत्यापन होने पर उसमें सत्यापन के दौरान हेड साहब ने 20,000 रुपये से 5,000 रुपये और माफ करते हुए 5,000 सत्यापन वक्त ले लिए, 10,000 रुपये से रहे जो बाद में देने के लिए कहा था। आज परिवार द्वारा 10,000 रुपये देने पर राजेंद्र जी को जो पकड़ा गया है और उनकी शर्ट की जेब से 10,000 रुपये बरामद हुए और सत्यापन के समय पूर्व में भी जो 5,000 रुपये दिए गए थे उनमें से 2,500 रुपये इनके बैग में से बरामद हुए।